आपने ब्लैक कलेक्टर सांचौर को ज्ञापन दिया है, आपकी क्या मांग है, किस मांग को लेकर आपने उपस्थित होकर ज्ञापन दिया? हमारी मांग प्रमुख रूप से यही है कि इस हत्याकांड में जो शामिल है, पूरी कहानी बताइए, कौन सा हत्याकांड? लक्ष्मण रबारी हत्याकांड में जो अपराधी है उन्हें बख्शा नहीं जाए। हम बनिया जाति से बिलोंग करते हैं, चींटी मारने पर भी हमारे को विचार करना पड़ता है, तो ऐसा जघन्य हत्याकांड में हम शामिल नहीं है। माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि आप 10 दिन के अंदर इस संबंध में उचित कार्रवाई करें, अन्यथा हमें उग्र आंदोलन और प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, उसकी तमाम जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। आपने पूरी कहानी नहीं बताई, क्यों मिले आप, किसके लिए मिले, किसको फंसा दिया है? ललित राठी को निर्दोष रूप से फंसाया गया है, जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और नहीं वह यहाँ रहते हैं। उनका काम धंधा व्यवसाय सारा जयपुर में है, ठीक है, पारिवारिक लोग यहाँ रहते हैं, उनसे कभी कभार मिलने के लिए आ जाता है, जिसका मतलब ये नहीं है कि उसे अपराधी घोषित किया जाए। पुलिस ने तो कहा है भाई इनका प्रकाश का भागीदार था और पैसे नहीं, कोई भागीदार नहीं है। नरेश ललित के नाम से यहाँ किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं है, न ठेके है न दूसरा कोई काम है। चावल का काम करता है, जयपुर में करता है और डिस्टिलरियों में सप्लाई होती है। पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए 2-3 दिन बुलाया था, 2-3 दिन पूछताछ के बाद में उनको गिरफ्तार करके जैसे किया है, आपको लगता है कि इसमें गलत फंसाया उसको? निश्चित तौर पर गलत फंसाया गया है। जो मूल अपराधी है वो पुलिस प्रशासन की पकड़ से कोसों दूर है और वहां तक इनके हाथ पांव नहीं पहुंच रहे, इसलिए निर्दोष लोगों को फंसा करके पुलिस प्रशासन अपनी इतिश्री कर रहा है। आपके समाज के और भी लोग हैं, क्यों ललित को क्यों चुना उन लोगों ने, कुछ तो संबंध होगा इस पूरे प्रकरण में? ले डिस्लरी का काम करता है साहब, एक नंबर का काम करता है, वाइट का काम करता है। अब ये तो आईजी साहब ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस मानसिकता से या कौन से राजनीतिक दबाव में या कोई उनको बड़े फंड की आवश्यकता हो व्यक्तिगत किस हिसाब से फंसाया, इसके लिए तो आईजी साहब ही स्पष्टीकरण दे सकते हैं। आप सर उनको लेकर आपने उनसे बातचीत की थी, तो आईजी ने आपको क्या बोला था? आईजी साहब से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, एसपी साहब, डिप्टी साहब, एसीआई साहब से मिला था। उन्होंने मेरे को यही कहा है कि लोग कह रहे हैं कि इनकी पार्टनरशिप है, लेकिन लोगों के लोग तो कल कह देंगे कि आप दाऊद के आदमी हो, ऐसा थोड़ी माना जाता है। आपके पास अगर उचित एविडेंस हो तो आप हमें जरूर गिरफ्तार करें, लेकिन बिना कारण ऐसा हुआ है, इसलिए हमारे समाज में रोष है। इसमें विरोध प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, विरोध। आप 2-3 बुला रहे हो, हम बिना फालतू बिना के हमारे कोर्ट थाने आ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास था कि पुलिस ऐसा नहीं करेगी, लेकिन इस तरह से करना कोई वाजिब बात नहीं है। अभी कलेक्टर से आप मिले हैं, कलेक्टर ने आपको क्या आश्वासन दिया है, अगर आने वाला समय में आप क्या करेंगे अगर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है? कलेक्टर मैडम से मिले, कलेक्टर मैडम ने कहा है कि मैं आपकी आवाज आगे तक पहुंचाऊंगी और हमें विश्वास है, हमें पुलिस प्रशासन में भी विश्वास है वो गलत नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह से इन्होंने जो अभी किया है ये बहुत सरासर गलत है। जैसे हो गया अब और किससे गलत क्या होना है? जैसे अब हमको पता ही नहीं चलने दिया, कब बुलाया, कब गया, कैसे किया, ये जाने इनका काम जाने। पुलिस ने कल गिरफ्तारी दिखाई थी, आज उनको सुबह सवेरे जैसे किया है, तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा, आपको क्या लगता है कि नहीं है सर? अरे इन्वॉल्वमेंट कल नहीं किया साहब, परसों रात शाम को 4 बजे इसको बुला के बिठा दिया कि चल जीप में बैठ, और जीप में बैठ के सीधे यहाँ के जैसे करा दिया। उसको कोई नॉलेज ही नहीं है कि मेरे सामने क्या होने वाला है, न उन्होंने कोई हत्याकांड के बारे में ललित को पूछा। ललित से हमारी बात रेगुलर चल रही थी 3 दिन से, जैसे पूछ रहे थे वो बुला रहे थे जा रहा था, क्योंकि इसका कोई लेना देना ही नहीं था। हमने बोला कि तू जयपुर आ जा, बोले मैं क्यों आऊं जयपुर, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, मैं जाऊंगा जवाब दूंगा। इन्होंने कोई पूछताछ नहीं की इस हत्याकांड के बारे में, खाली बुला के बैठा दिया, खाली बुला के बैठा दिया और कुछ नहीं पूछताछ की, और सीधा इसको अंदर डाल दिया और कुछ भी नहीं। एक मतलब कोई लिखापढ़ी हो या इसके नाम का ठेका हो, इसके गांव में इसके नाम की साइकिल नहीं है, ये आता है महीने में 2 दिन मिलने के लिए माँ बाप। मैंने एसपी साहब से पूछा था, एसपी साहब अगर आपने इसको बुलाया, हम बहुत अच्छे परिवार से सांचौर में, मैं यहाँ पहले 5 साल चेयरमैन भी रहते हूँ, वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ, अभी पार्षद भी हूँ। मैंने एसपी साहब से कहा हमको ऐसा संतुष्ट करो कि हमारा भाई अगर आरोपी है तो हमको संतुष्ट करके भेजो कि हम लोगों को जवाब दे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। जबकि लक्ष्मण रबारी हमारे भाई से भी ज्यादा था, हमारे पारिवारिक आदमी था, उसके घर से ज्यादा हमको दुख है उसके बारे में, और हमारे कोई गलत फंसा दिया। आज ये आईजी साहब और ये सांचौर गांव में आए हैं दुश्मनियां मिटाने के लिए, लेकिन इन्होंने 2 समाजों में फिर दुश्मनी करा दी, क्या मतलब निकला? पूछताछ के दौरान पुलिस कस्टडी में